हाय फ्रेंड्स, मु तपन आपण मानक स्वागत करुच्छे ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज आम डिस्कशन करवा फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पर जनरल इंग्लीश रे 20 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज ठारु आमर इंग्लीश क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपण मैंने सांग मानक वीडियो शेयर कर दिंतु तो से जापर क्लास स्टार्ट हो। तो जो मानकर भी इंग्लीश हो तो आपण मैंने सबुदिन वीडियो देखु, मु ग्यारंटी दूसरी एग्जाम आसवा बेलू आप इंग्लीश रे बहुत स्ट्रंग हो परीक्षा भल स्कोर आनीपरेंगे। ठीक अच्छे, तो लेट करें ना चलतु क्लास स्टार्ट करवा। तो जो मैंने जानते दुई मिनिट वीडियो को स्किप करके पल जातु। तो देखु फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पर मुझे टेलीग्राम गोटे पेड ग्रुप क्रिएट कर, जो मैंने जॉइन होगा इंटरेस्टेड अच्छा जॉइन हो पारे। तो एपंक डेली 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल, जिके 10, ओडिया 10, मैथ 10, इंग्लीश 10, कंप्यूटर 10 और साइंस 10। यह सहित 10 फुल मॉक टेस्ट सहित तार सॉल्यूशन प्रोवाइड कर। फुल मॉक टेस्ट देले आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो, आपण माने 150 मार्क रु केते मार्क रखुछन जानि परिबे से अनुसार प्रिपरेशन करि परिबे। तो एथिरे जॉइन हेबा पई हेले प्राइस केते रहिछि ना, ओल्ड स्टूडेंट मानक पई 45 रहिछि। ओल्ड स्टूडेंट को माने ना, जो माने मोर फायरमैन पेड ग्रुप रे थिले से माने 45 टका पे करिबे, आउ जो माने न्यू स्टूडेंट माने फायरमैन पेड ग्रुप रे नथिले से माने 55 पे करिबे। तो ये जो नंबर टी रही है, ये नंबर आपण माने फोन पे ना गूगल पे माध्यम रे पेमेंट कर देबे। नेम आसीबो तपन कुमार बेहरा। पेमेंट कर सारे पर तार स्क्रीनशॉट आपण माने ए नंबर व्हाट्सएप रही पठाई देबे। स्क्रीनशॉट पठाई सारे पर मुं आपण मानको ग्रुप रे जॉइन कर देबे। तो देखंतु आपण माने थरे मार्केट गला बेळकु 50 टका केते कुआडे खर्च होई जाउची, किंतु एटे जो आपण माने 50 टका पे करिवे आपण मानको लाइफ पई पे करिवे, ए 50 टका आपण मानको लाइफ चेंज करि परिवो। तो सेथि पई समस्त ट्राई करंतु जॉइन होबा पई। या सहित आपण मानको स्टडी मटेरियल मध्ये मिलिवो, ओडिसा जीके रे 400 रु अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलिवो, साइंस रे 800 टी, जीके रे 500 टी, कंप्यूटर रे 100 टी, एबे रहिछि एटा 500 टा हे जइबो। ठीक अछि, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नवंबर, डिसेंबर, जनवरी पर्यंत करंट अफेयर मिल जइबो। तो एबे अक्टोबर पर्यंत रहिछि, नवंबर, डिसेंबर, जनवरी सरिया पर आपण मानको मिल जइबो। तो ए सब आपण मानको पीडीएफ फॉर्मेट रे मिल जइबो, आपण माने डाउनलोड करके पढ़ी परिबे। तो आपण माने जों दिन बे जॉइन होतु ना काहे कि सब स्टडी मटेरियल सहित फुल मॉक टेस्ट पाई जिवे, सेति पई व्यस्त बा दरकार नाही। तो देखंतु टेलीग्राम रे एमिति ग्रुप रहिछि, तो एमिति क्वेश्चन आसीबो, एमिति ऑप्शन मध्ये रहिछि, जो ऑप्शन टा आपण मानको ठीक लागिवो आपण माने सेथरे क्लिक करिवे, सांगे सांगे जाना पड़ी जो सेटा भूल कि ठीक। तो ये ऊपर जो लिखा है फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, एलआई पेड ग्रुप, एथरे क्लिक करिवे, तापर एमिती पेज आसीबो। तो ये सबू स्टडी मटेरियल सहित फुल मॉक टेस्ट रही थी, आपण माने डाउनलोड करके प्रिपरेशन करिपरिबे। आज प्रथम क्वेश्चन टे कौन रही, टाइगर्स डेस इन फॉरेस्ट, बाघ जंगल रे रहे। ठीक अच्छे, तो ये कौन बसिबो, लिव, आर लिविंग, लिव्स ना हैव लिव्ड। तो देखंतु बाघ जंगल रे रहे, एटा गोटे सत्य घटना। ठीक अच्छे, तो ये आम प्रेजेंट सिंपल यूज करवा। तो जदि प्रेजेंट सिंपल यूज करवा तेल आर लिविंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रही काटिद, हैव लिव्ड प्रेजेंट रो परफेक्ट रही काटिद, बाकी लिव बसव ना लिव्स बसव। तो मुझे आगर आपण मानक सब कि भार्ब रे जदि एस किंबा ईएस बसे ताले से सिंगुलर हो जाए, ताले से सिंगुलर हो जाए। आउ सब्जेक्ट रे जदि एस किंबा ईएस बसे से कौन हो जाए ना प्लुराल हो जाए। ठीक अच्छे, तो ये टाइगर्स कौन अच्छी, टाइगर्सटा प्लुराल अच्छी, तो ये आमको प्लुराल भार्ब दरकार हे, प्लुराल भार्ब दरकार हे। ठीक अच्छे, तो ये लिव हो प्लुराल ना लिव्स प्लुराल, भार्ब रे एस एस लगे सिंगुलर हो जाए, तो ये सिंगुलर अच्छे, यहाँ हेनी, यहाँ ही प्लुराल भार्ब। ठीक अच्छे, टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो देखंतु जत्ते बेले भी लॉज ऑफ नेचर आसीबो, लॉज ऑफ नेचर, साइंटिफिक ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, तापरे यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनि वर्सल ट्रुथ, तो यह सब आसो मैंने आपण मैंने सब बड़े प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। ठीक अच्छे, तो देखो जमी मुझ कह द सन राइजेस इन द ईस्ट,
rises in the east. ओके तो ये rises है प्रेजेंट सिंपल यूज है ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ तो समिति बाघ जंगल रुटा गोटे सत्य घटना से आम ये प्रेजेंट सिंपल यूज करवा लिव नहीं कि जीवा ठीक अच्छे तो एक नंबर ए हो राइट आंसर तापर दुई नंबर कौन रही आवर एग्जामिनेशन डेज नेक्स्ट वीक तो आम एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक हम ठीक अच्छे तो ये नेक्स्ट वीक देखिक आपण मैंने भावुं कि फ्यूचर बस कि पलैबे विल स्टार्ट ना विल हैव स्टार्टेड बस कि पलैबे टोटाली फुल तो ये विल स्टार्ट भी बसवनी विल हैव स्टार्टेड भी बसवनी तो देखु ये आम एग्जामा नेक्स्ट वीक हम ठीक अच्छे यहाँ हूँ गोटे फ्यूचर में हम कि फिक्स्ड टाइम टेबुल ठीक अच्छे फिक्स्ड टाइम टेबुल तो फिक्स्ड टाइम टेबुल पाखे सब बड़े प्रेजेंट सिंपल यूज हो ठीक अच्छे प्रेजेंट सिंपल यूज होके तो ये आम स्टार्ट नहीं जावा तो जो घटनाटा फ्यूचर में हम बाकी फिक्स्ड टाइम टेबुल मैं टाइम टेबुलटा फिक्स होता आगु तो सही सब प्रेजेंट सिंपल ही यूज हम इज स्टार्टिंग बसवन आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट नेक्स्ट वीक ठीक अच्छे दुई नंबर बी हो राइट आंसर तापर तीन नंबर कौन रही सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट उपर क्वेश्चन रही फाइव रुपीज डेस नॉट ए बिग सम फाइव रुपीजा गोटे बिग सम नुहे पचारि कौन बस तो देखु ये फाइव रुपीज एस लगी भावु ये प्लूराल रही आम ये प्लूराल भार बस कि पलैवा तो टोटाली भूल ये प्लूराल भार बस ना देखु फाइव रुपीज यहाँ गोटे सिंगल यूनिट की डिनोट करुँच सिंगल यूनिट को डिनोट करुँच ठीक अच्छे तो फाइव रुपीज ये गोटे सिंगल यूनिट को डिनोट करुँच तो ये आमको सिंगुलर भार बस पड़ो सिंगुलर भार बस पड़ो ठीक अच्छे तो फ्यूचर कथा किसी कहूना फ्यूचर बसइबानी नन अफ दू काटिदे इज आर आर भी प्लूराल काटिदे इज बसई कि फाइव रुपीज इज नॉट ए बिग सम तो देखु जिते बड़ा कौन थी ना टू किलो ठीक अच्छे टू किलो जिते थी आउ कौन थी ना सिक्सटी इयर्स सिक्सटी आपण मैं नोट कर चलतु इयर्स आउ कौन थी ना फिफ्टी किलोमीटर्स फिफ्टी किलोमीटर्स तो जिते बड़े एमती थी टू किलोज सिक्सटी इयर्स फिफ्टी किलोमीटर्स देखु टू किलोज कहले दुई किलो को बुझाऊँ मैंने गोटे सिंगल यूनिट को बुझाऊँ सिक्सटी इयर्स कहले षाठी वर्ष को बुझाऊँ गोटे सिंगल यूनिट को बुझाऊँ फिफ्टी किलोमीटर्स कहले पचास किलोमीटर को बुझाऊँ मैंने गोटे सिंगल यूनिट को बुझाऊँ तो यह सब आसे एस देखिक आपण मैंने भावे प्लूराल अच्छी प्लूराल भाग बसिक पलैबे तो टोटाली भूल यह सब सिंगल यूनिट को डोनेट कर तो सब बड़े यापर सिंगुलर भार बसइबे ठीक अच्छे तो से फाइव रुपीज ये गोटे सिंगल यूनिट को डोनेट कर फाइव रुपीज मैंने पाँच टाँग ठीक अच्छे तो ये सिंगुलर भार बस इज ठीक अच्छे तापर चारि नंबर कौन रही बढ़िया क्वेश्चन रही है ये सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट उपर क्वेश्चन रही जहाँ भी बुझाऊँ आप बुझाप ट्राए करूँ देखिए इंग्लीश बहुत स्ट्रंग हो ठीक अच्छे कहीं पूरा बेसिक्रु बुझाप ट्राए करुँ आ क्वेश्चन सब बेसिक लेवल रे ही आनी ठीक अच्छे नॉट ओनली आदित्य बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स डेस इक्वली रेस्पॉन्सिबल ठीक अच्छे तो यहाँ नॉट ओनली आउ बट ऑल्सो रो कॉन्सेप्ट रही जो मैंने सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट पढ़ी थे नॉट ओनली आउ बट ऑल्सो रो रूल ये पक पड़े ठीक अच्छे तो देखो जिते बड़े नॉट ओनली बट ऑल्सो थी से सब बड़े सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार बाहर बस तो ये सेकेंड सब्जेक्ट होज ब्रदर्स हिज ब्रदर्स अनुसार ये बाहर बस ठीक अच्छे हिज ब्रदर्स ये प्लूराल रही हिज ब्रदर्सटा कौन रही प्लूराल रही तो आमको प्लूराल भार बसाइप पड़ो ठीक अच्छे तो प्लूराल भार बसइबा मानने वाज सिंगुलर कटिगला पास्ट भी अच्छे नन अफ दिज तो नुहे इज आर आर भी प्लूराल तो ये प्लूराल भार दरकार ना तो आर आर हुए प्लूराल इज्रा सिंगुलर ठीक अच्छे देखो जिते बड़े नॉट ओनली बट ऑल्सो आउ कौन थी ना नाइदर नॉर नाइदर नॉर थी आइदर ऑर थी यह सब पूरा घोषी दिखुद ठीक अच्छे आईदार और थी से सब बड़े सेकेंड सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार बाहर बसइबे ठीक अच्छे तो ये आदित्य ये हूँ सब्जेक्ट वन ठीक अच्छे आउ हिज ब्रदर्स हूँ सब्जेक्ट टू ठीक अच्छे ये लिखिदे सब्जेक्ट टू
तो जितेबाला नट ओनली बट अल्सु नाइदर नर आईदर अर् थी से सब सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार भार बस तो ये हिज ब्रदर्स प्लुराल रही आम प्लुराल भार बसिक पलैले ठीक अच्छे। तापर पांच नंबर कौन रही माय फ्रेंड्स एग्रीड डेस माय प्रपोजल्स ठीक अच्छे। तो ये एग्री सहित प्रिपोजिशन कौन बस विथ ऑन टू एट एग्री सहित सब फिक्स प्रिपोजिशन बसे टू ठीक अच्छे। तो माय फ्रेंड्स एग्रीड टू माय प्रपोजल एग्री सहित सब फिक्स प्रिपोजिशन टू ही बसे पांच नंबर सी इज राइट आंसर। तापर छः नंबर कौन रही यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon। तो से कौन कहला ना तुम्हें डॉक्टर को 8 to 12 मध्य देखा कर ठीक अच्छे। तो ये फ्रॉम फोर सीन्स बिटवीन कौन बस तो देखु जितेबाद दुईटा जिनस थी 8 to 12 मध्य तो ये दुईटा जिनस कही दुईटा जिनस रही सब बिटवीन बसवे ठीक अच्छे माने मध्य 8 to 12 मध्य ठीक अच्छे। तो ये बिटवीन ही बस आ फ्रम कौट बस था ना जो ओरिजिनेट होता है ठीक अच्छे। फोर बस थाए पॉइंट ऑफ टाइम पर सीन्स सॉरी फोर पीरियड ऑफ टाइम पर सीन्सटा पॉइंट ऑफ टाइम पर बस था ओके। तो जिते बड़े दुईटा जिनस आसो से बिटवीन बसइबे तो ये 8 to 12 कही आम बिटवीन बसई जापर ठीक अच्छे माने मध्य। तापर कौन रही आई विल डैश टू स्कूल टुमरो ठीक अच्छे। आई विल डैश टू स्कूल टुमरो तो ये कौन बस तो देखो ये टुमरो रही मैंने यहाँ फ्यूचर को बुझे तो ये विल बस ठीक अच्छे। विल सहित कौन बस टू गु ना गुईंग सब मॉडल परे भार्वर बेस्ट फॉर्म बसी थाए ठीक अच्छे फास्ट फॉर्म तो गुईंग बस वन गन भी बस वन टू गु ये बस वन ये गु ही बस। आई विल गु टू स्कूल टुमरो ठीक अच्छे आसंता काली स्कूल जी सात नंबर डी हो राइट आंसर। तापर आठ नंबर कौन रही द रोड डैश कंप्लीटेड बाय जून 2024 तो रोडटा 2024 जून मास पर्यंत माने भितर कंप्लीट हो से कहे ठीक अच्छे। तो ये कौन बस आंसर कौन हो प्रथम रही विल हैव बीन हाँ विल हैव बीन हो पार हैव विल बीन ये स्ट्रक्चर भूल अच्छी बीन हैव विल स्ट्रक्चर भूल विल बीन हैव ये भी स्ट्रक्चर भूल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द रोड विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय जून 2024 जून सुधा रोडटा कंप्लीट हो जाए ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तापर नौ नंबर कौन रही मनोज इज डैश ऑनेस्ट वर्कर तो ये आर्टिकल उपर क्वेश्चन रही मतलब कहीदेली आंसर आ कौन अच्छे देखो ये ऑनेस्ट रही ठीक अच्छे। ऑनेस्ट मान ये उच्चारणटा केमी आसूँ भावेल साउंड आसो ऑनेस्ट ओ भावेल साउंड आस ठीक अच्छे। तो भावेल साउंड आसने आम ये आर्टिकल कौन बसइबा एन ही बसई जी आपुंत कि ए बसइबे टोटाली भूल एन बस ठीक अच्छे। जितेबाला ऑनेस्ट थी आवार आसो मैंने एन आवार हम आवार थे उच्चारण कले आवार आ मैंने ए आस भावेल साउंड आसमें एन बसइबा ठीक अच्छे। आउ कौन हो पार ना मुझे कह एन एम पी ठीक अच्छे एम एम ए आस उच्चारण से या पूर्व सब आर्टिकल एन बस ठीक अच्छे। ऑनेस्ट आवार एम पी या पूर्व आर्टिकल सब एन बस ठीक अच्छे। तापर रही डैश एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल तो ये कौन बस ये एलिफेंट देखते प्रथम लेटर ई रही भावेल रही तो आम कौन बसवा भावेल रही एन ही बसे जावा एन एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल। तापर बढ़िया क्वेश्चन रही चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस क्वेश्चन रही समस्त करूँ वी हैव वार्न्ड यू वी हैव वार्न्ड यू देखु पैसिव वॉइस केमी करा जाए ना ये हूँ सब्जेक्ट ये हूँ वर्ब ये हूँ ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस कले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्टा ऑब्जेक्ट जगह को जीव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह को आसो आ वर्ब रो माने टेंस चेंज हो ठीक अच्छे। तो आम करदे ये देखीद टेन्स कौन अच्छी हैव वर्न मान या प्रेजेन्टर परफेक्ट अच्छी ठीक अच्छे। प्रेजेन्ट परफेक्ट रही तार स्ट्रक्चर कौन हेज ना हेव आसो ता सहित कौन आसो बीन टी आसो बीन आसो तापर भार थर्ड फॉर्म ठीक अच्छे। ए स्ट्रक्चर आसो ठीक अच्छे देखो ये स्ट्रक्चरटा कौन थे रही
यू ऑब्जेक्ट अच्छी प्रथम आसो यू एथे प्रथम रही आसवनी वार्न बी आगे आसवनी हेव भी आगे आसवनी सब ऑप्शन तो कटिगला गोटे ऑप्शन रही आउ कौन चेक करवा तथा तो चेक करदे हेज ना हेव आसो यूपाई हेव आस यूटा प्लोराल तो प्लोराल भार्व आसी बीन बसी बीन आसपे भार्व थर्ड फर्म बसी बास आउ किसी चेक ही करा दरकार नहीं कहीं जानगले यूटा ऑब्जेक्ट अच्छी यूटा चेंज हो आगे सब्जेक्ट हो ठीक अच्छे केवल गोटे ऑप्शन रे यू फास्ट रही आम यही ही आंसर बाहर करदे आ स्ट्रक्चर भी ठीक अच्छे ओके तापर पुणी आउ गोटे क्वेश्चन रही पैसिव वॉइस उपर ये एक्टिव रही पैसिव को कन्वर्ट करने ठीक अच्छे तो देखो मना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर तो ये मना हूँ सब्जेक्ट वाज राइटिंग हूँ भर्ब ए लेटर हूँ ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे आउ टू हर फादर से कॉम्प्लीमेंट ठीक अच्छे तो देखु ऑब्जेक्टा सब्जेक्ट हम आउ सब्जेक्टा ऑब्जेक्ट हम वाज राइटिंग यहाँ हूँ भर्ब मैं टेन्स चेंज करदे कौन टेन्स रही वाज राइटिंग रही पास्ट प्रोग्रेसिव रे पास्ट प्रोग्रेसिव रही पास्ट प्रोग्रेसिव रे एक्टिव रे पैसिव कले कौन हम ना वाज नले वेयर आसो तापर बीइंग टी आसो बीइंग टी आसो ता सहित भितर बास देखो ये स्ट्रक्चर कौन थी रही ओके तो ये ऑब्जेक्ट अच्छी ए लेटर सब्जेक्ट हो लेटर ए लेटर ए लेटर ए लेटर सब थी रही अच्छा आगे चेक करवा वाज नहले वेयर आसो ए लेटर सिंगुलर अच्छी सिंगुलर बस हेज ता मन इच्छा कौन आसो वाज वाज ठीक अच्छे रिटर्न ना वाज वेयर पर बीइंग आसो ना वाज वेयर पर रिटर्न आसोन बीन भी नुहे बीइंग आसो बीइंग यार अच्छे ये रिटर्न अच्छे ये रईट आंसर तथा आगे चेक करदे भि थ्री रिटर्न बसपर मना ये सब्जेक्ट थी ऑब्जेक्ट होगा बाय मना टू हर फादर ये कम्प्लीमेंट बसगला ऑप्शन नंबर सी रईट आंसर हो स्ट्रक्चर भी ठीक अच्छे ओके सब ठीक अच्छे तो बार नंबर सी हो राइट आंसर तापर तेरह नंबर कौन रही चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच बाछापी कही मैं यहाँ डायरेक्टर अच्छी यार इनडायरेक्ट स्पीच कौन हम देखु हि टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर फादर हि टोल्ड हर हूँ कौन रिपोर्टेड वर्ब हूँ रिपोर्टेड स्पीच ठीक अच्छे तो देखु ये आई वांट टू मीट योर फादर आई वांट टू मीट योर फादर यहाँ कौन टेन्स रही आई वांट टू मीट योर फादर यहाँ प्रेजेंट सिंपल रही एत कौन भाविया प्रेजेंट सिंपल तो अच्छी प्रेजेंट सिंपल अच्छी जदि डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल रोहे इनडायरेक्ट कले पास्ट सिंपल हो तार प्रेजेंट सिंपल थी पास्ट सिंपल हम ओके पास्ट सिंपल हम तो पास्ट सिंपल कले कौन हो खाली पास्ट भार्वर पास्ट फर्म बस ओके तो देखा हि टोल्ड हर हि टोल्ड हर हि टोल्ड हर हि टोल्ड हर दैट हाँ दैट तो बस सब थी रही आई प्रोनाउन चेंज हम आईटा हि हो एथिरे ही रही एथिरे ही रही सी आसवनी आई भी आसवनी ही हम ठीक अच्छे तापर एटा प्रेजेन्ट रही वांट पास्ट करदे वांटेड हो वांटेड वांटेड एथिरे भी अच्छे तापर टू अच्छी टू टू मीट ना टू मीट इयरटा एटी चेंज हो प्रोनाउन चेंज हम इयरटा हार हम ये इयर रही बास तापर फादर को फादर ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ठीक अच्छे तो ये प्रेजेन्ट सिंपल थी आम पास्ट सिंपल करके पलैले आ प्रोनाउन को चेंज करदे ठीक अच्छे तेरह नंबर बी हो राइट आंसर तापर चौदह नंबर कौन रही हि सेड आई एम गोइंग होम तो यहाँ डायरेक्ट रही इनडायरेक्ट को आमको कन्वर्ट करने तो देखो जितेबाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आसो सब टेन्स को चेंज करने ट्राए करेंगे देखिए टेन्स कौन अच्छी टेन्स चेंज करदे आंसर हो बेस किसी भाविया दरकार ना ठीक अच्छे तो ये टेन्स कौन रही एम गोइंग तो यहाँ कौन रही प्रेजेंट सिंपल रही सॉरी प्रेजेंट सिंपल नुटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अच्छे ठीक अच्छे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अच्छे तो इनडायरेक्ट कले पास्ट प्रोग्रेसिव हो पास्ट प्रोग्रेसिव हो ओके तो पास्ट प्रोग्रेसिव रो स्ट्रक्चर कौन वाज नले वेयर आसो ता सहित भारबरो आई एन जी फर्म आसो ओके तो ये स्ट्रक्चर देखु कौन थे रही ठीक अच्छे तो ये देखु हि सेड हि सेड हि सेड हि सेड हि टोल्ड ठीक अच्छे हि सेड भी हो पार टोल्ड भी हो पार किसी प्रोब्लेम ना ठीक अच्छे तापर ए दैट बस दैट ना दैट ए दैट ना अच्छा ठीक अच्छे देखिए टेन्स कौन थे
एटी आई टा ही कहीं प्रोनाउन चेंज हे हि रही ही रही आई रही कहीं प्रोनाउन चेंज हे एथेरे मी रही मी कौन ता मन इच्छा हे आईटा ही हम ना एथेरे रही दुईटा ऑप्शन कटिगला तापर पास्ट प्रोग्रेसिव वाज और उयर आस इज रही इज हेनी वाज उयर आमको दरकार भार्ब आई एन जी फर्म बसपर हुम बस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रही तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव थी आम इनडायरेक्ट कले कौन हम पास्ट प्रोग्रेसिव हम वाज और उयर सहित भार्ब आई एन जी फर्म आसो तो ही सेड ही वाज गोइंग हुम ठीक अच्छे ये प्रोनाउन चेंज है ही है आउ वाज गोइंग बस यहाँ स्ट्रक्चर ठीक अच्छे चौदह नंबर बी हो राइट आंसर तापर पंद्रह नंबर कौन रही फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन वर्ड टी ठीक अच्छे पचारिज स्पेलिंग पचारिजी तो जितेबले स्पेलिंग टेस्ट पर आसबले जो वर्ड टी कही थोड़ा रफ्रे लिखे डीज पचार डी आई एस ई ए एस सी यही तार करेक्ट स्पेलिंग देखो कौन ऑप्शन रही डीज डी नुह डी आई एस ई एस सी ठीक अच्छे डी आई सी आसवनी ये डी भी नुह डी आई एस ना ऑप्शन नंबर बी एज राइट आंसर डी आई एस ई एस सी ठीक अच्छे तापर षोह नंबर कौन रही फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पुणी ठीक वर्ड बाछापी कही कह रहा एड्रेस लिखिदेवे रफ्रे ए डी डी आर ई डबल एस बस देखते कौन ऑप्शन रही ए डी आर ए भूल अच्छे ए डी डी आर ई एस एस ए डी डी आर ई एस ए डी डबल डी आसो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो ठीक अच्छे तो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी कहीं बहुत जल्दी आम 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा ठीक अच्छे तो सांग मानक सेयार करूँ वीडियो को फटाफट आउ या सहित वीडियो को लाइक शेयर मध्य कर दिखाँ ठीक अच्छे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गले बहुत खुशी लगे ठीक अच्छे आपँ को जे भी पचारिपर कि ओडिशा स्टडी सेंटर चैनल के सब्सक्राइबर ना आपर 1 लाख सब्सक्राइबर ठीक अच्छे तो समस्ते ट्राए करूँ सब्सक्राइब करने ठीक अच्छे तापर 17 नंबर कौन रही फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौनटा ठीक वर्ड बाछापी कही ठीक अच्छे काबेजर स्पेलिंग पचारिजर उड़े हो बंधाकोबी तो ये शीत दिन चलिए बंधाकोबी बहुत शस्ता हो समस्ते आणिक खाइबे ठीक अच्छे बंधाकोबी शीत दिन में फुलकोबी और बंधाकोबी बहुत शस्ता हो जाए ओके तो सीजन यहाँ हो छाड़ से आमको कौन मिल काबेज स्पेलिंग देखा सी ए बी बी ए जी ई काबेज बस देखु सी ए बी ए के रु स्टार्ट हेनी सी ए बी बी ए जी ई ठीक अच्छे सी ए बी बी ई आसवनी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो ठीक अच्छे तापर कौन रही द ओल्ड मैन डायड लास्ट नाइट तो ये डायड तले अंडरलाइन रही ठीक अच्छे तो यहाँ फ्रेजल वर्ब पर क्वेश्चन रही डायड बदल रे कौन बस सेट अप पास्ट एवे मेक आउट पास्ट बाय तो डायड माने हो पास्ट एवे ठीक अच्छे पास्ट एवे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो सेट अप माने कौन सेट अप माने हो स्टार्ट कोई परिवा और एस्टैब्लिश भी पार एस्टैब्लिश ठीक अच्छे मेक आउट माने हो अंडरस्टैंड बुझा ठीक अच्छे अंडरस्टैंड पास्ट बाय माने ना टू हैपन विदाउट बीइंग नोटिस्ड विदाउट बीइंग नोटिस्ड ठीक अच्छे सेटअप माने स्टार्ट करिबा किमा एस्टैब्लिश करिबा मेकआउट माने अंडरस्टैंड पास्ट बाय माने टू हैपन विदाउट बीइंग नोटिस बिना नोटिस रे किसी घटी जाए कहुए पास्ट बाय आउ डायरेक्ट माने पास्ट एवे ठीक अच्छे 18 नंबर बी हो राइट आंसर तापर कौन रही द शॉप इज क्लोज्ड डेस आई कैन नॉट बाय एनी ब्रेड ठीक अच्छे तो ये कौन बस बट एंड सो सो दैट तो सब मीनिंग बुझापी ट्राए करेंगे ठीक अच्छे तो 19 नंबर आंसर कौन हो ना देखु द शॉप इज क्लोज्ड शॉपटा बंद हो गला तो डेस आई कैन नॉट बाय एनी ब्रेड तेणु मु किसी ब्रेड बाय कर ना ऑप्शन नंबर सी हो सु बस ठीक अच्छे बट हूँ गोटे पॉजिटिव आ गए नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ापे बसे एंड दुईटा पॉजिटिव हो कि आउ कौन सेंटेंस को जोड़ापे बसे पॉजिटिव आसो ठीक अच्छे एंडटा सु दैट ये बसवन तो द शॉप इज क्लोज्ड शॉपटा क्लोज हो गला तेणु मु किसी ब्रेड बाय कर पारे ना ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर ठीक अच्छे तापर 20 नंबर कौन रही ही वर्कड हार्ड
से हार्डवर्क कला डैश ही डिड नॉट पास द एग्जाम। बढ़िया क्वेश्चन रही बहुत खुशी लगुच क्वेश्चन देखिकी आंसर कौन हो एटी गोटे पॉजिटिव रही आ गोटे नेगेटिव सेंटेंस रही पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ापी बाट ही बसे पूर्व क्वेश्चन रे कहली तो ये बाट बसे देखते सेंटेंस रे मीनिंग कौन आस वर्क हार्ड से हार्ड वर्क कला बट किंतु से एग्जाम पास कर पारा ना ठीक अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को किए जोड़े बाट ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। ठीक अच्छे तो लास्ट क्वेश्चन कौन रही ही इज नॉट रिच डैश ही इज हैप्पी। ठीक अच्छे तो ये कौन बस ये क्वेश्चन टी आपको होमवर्क दूसरी ये क्वेश्चन आंसर टी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पड़ो। तो आज मोर वीडियोटी आपको बहुत हेल्पफुल होती वीडियोटी भल लगी गोटे लाइक करेंगे सांग सेयार करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल।